अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका ओवैसी शिफा खाना में। नाज़रीन, आज जो नुस्खा हाजिर खिदमत है वो है गुर्दों में पथरी के अलामात और वजूहात और उसका इलाज। सबसे पहले, गुर्दे में पथरी क्यों होती है, कैसे होती है, इसकी जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद फिर बताता हूँ कि गुर्दे में पथरी के अलामात क्या है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह उसका इलाज भी बतला दूंगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया भर में गुर्दों के पथरी के इमराज बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। ये हर साल एक दूसरे को होता जा रहा है। गुर्दे के मुख्तलिफ इमराज में से एक पथरी का भी मर्ज है जो काफ़ी आम हो रहा है और दुनिया भर में हर 11 में से एक शख्स को अपनी ज़िंदगी में गुर्दे की पथरी का सामना करना होता है। और अगर आप भी इनमें से एक हैं तो 50% इम्कान इस बात के हैं कि आपको एक बार फिर इस आर्जे का सामना हो सकता है। यानी अगर आपको गुर्दे में पथरी हो गई है और आप उसको डॉक्टर से दिखाकर उससे आपको निजात मिल गई है तो उस पर इत्तफा ना करें, हो सकता है कि ये बीमारी फिर से आपको लाहिक हो जाए। इसलिए इसमें सबसे बेहतर आयुर्वेदिक दवा या यूनानी दवा या होम्योपैथिक दवा सबसे मुफीद रहता है। मैं जो नुस्खा बतलाने वाला हूँ, अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पथरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद दोबारा होगी भी नहीं। गुर्दे में पथरी एक तकलीफ देह मर्ज है जिसका इलाज आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर सही तरीके से और जड़ से उसको ख़त्म ना किया जाए तो वो दोबारा भी हो सकता है। गुर्दे में पथरी की मुतअद्दद वजूहात हो सकती है, जैसा कि पानी का कम पीना, खानदान में से किसी एक का इस मर्ज में मुबतला होना, मखसूस गिजाएं खास तौर पर ज़्यादा नमक और कैल्शियम वाले खाना खाना, मोटापा का ज़्यादा होना, जियाबीज़ का मर्ज होना, पेट के इमराज और सरजरी वगैरह भी शामिल है। गुर्दे की पथरी पेशाब की नालियों के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकती है और वहाँ से उनका निकलना काफ़ी तकलीफ देह हो सकता है। आम तौर पर इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। दर्द और बहुत ज़्यादा पानी, ये क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीना मामूली सी पथरी को निकालने के लिए बहुत ही कार आमद होता है। ताहम अगर किसी वजह से अगर वो पेशाब की नाली में फंस जाए या किसी बाइस वो वहाँ पर यानी पेशाब की नालियों में रुक जाए तो फिर अगर पानी के कसरत से अगर वो न निकले तो हो सकता है कि सर्जरी वगैरह भी करवानी पड़े। इस हवाले से आप किसी भी मुआलिज से जो आपके नज़र में बेहतर हो आप उससे मशवरा ले सकते हैं और उनसे इलाज करवा सकते हैं। पथरी की अलामत ये है कि दर हकीकत शुरू में इसकी कुछ अलामत सामने नहीं आती है और न इंसान को कुछ समझ में आता है, बल्कि पेशाब की नालियों में जाने के बाद कुछ निशानियां इंसान को समझ में आती है, जैसे पसलियों के नीचे साइड में और पीछे की दानी बहुत ज़्यादा दर्द का होना, ऐसा दर्द जो पेट से नीचे जाता हुआ महसूस होता हो, ऐसा दर्द जिसमें बहुत ज़्यादा लहर और बहुत ज़्यादा शिद्दत हो, पेशाब करते हुए तकलीफ होना, गुलाबी सुर्ख या ब्राउन पेशाब होना, पेशाब में बदबू का पाया जाना, बार बार पेशाब का आना, आम मामूली सी हटकर पेशाब का आना, बुखार और सर्दी लगना, पेशाब की मकदार का कम हो जाना, ये इसकी अलामत थी और वजूहात मैं ऊपर बतला चुका हूँ। अब पथरी का इलाज ये है कि अगर जैसे ही आपको महसूस हो कि आपको पथरी हो गया, आप फौरन
या तो किसी अच्छे मुआलिज से दिखला दीजिए, या अगर नहीं आप हमारा नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले उसको हमारे नुस्खे के लिए आपको एक गिलास पानी ले लेना है, उसमें एक नींबू को निचोड़ दे अच्छी तरह, फिर उसको पानी को आग पर गर्म करें और इतना उसमें जोश दे कि खट्टापन जो है दूर हो जाए। जब नींबू का खट्टापन दूर हो जाए तो उसमें एक चम्मच सेब का सिरका और एक चम्मच जैतून का तेल और एक चम्मच शहद, ये तीन अदविया उसमें डाल दे, ये तीन चीजें उसमें डाल दे पानी के अंदर, और उसको घोल ले। घोलने के बाद उसको इस्तेमाल करे, दिन में 3 दफा इस्तेमाल करे और 3 दिन तक इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर आपकी पथरी निकल कर बाहर आ जाएगी, और 3 दिन में नहीं तो 3रे दिन यकीनी है, अल्लाह की जात पे यकीन है कि 3रे दिन आपकी पथरी की बीमारी दूर हो जाएगी और वह पेशाब के जरिए निकल जाएगी। नाजरीन, आखिर में गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो इसको अपने दोस्त अहबाब तक भी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप हमसे टेलीग्राम पर रब्ता कर सकते हैं और वहां पर बहुत सारे नुस्खे वगैरह हासिल कर सकते हैं। फ़क़त व सलाम, जज़ाकअल्लाहु अहसनल जज़ा।